नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पार्ट टू मैथमेटिक्स का रैखिक प्रोग्रामण यानी लीनियर प्रोग्रामिंग बता रहा हूँ। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 31.1 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन बता चुका हूँ। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 31.2 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। दोस्तों, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रतिवर्ष प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप मैथ में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग को जरूर अच्छा से देखिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से दो प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज 31.2 के सही प्रश्नों का सोल्यूशन। यदि इसके पहले वाले चैप्टर में कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करेंगे, और उसके सारे प्रश्नों का मैंने सोल्यूशन बताया था, और ऐसे में बताता हूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना होगा। अगर बढ़िया से नहीं आप पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे, तो निश्चित नहीं समझ में आएगा। मैथ है, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बार वीडियो देख लिए तो आप नहीं समझेंगे कि हम विद्वान हो गए। दोबारा देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपको खुद समझ में आने लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं शायद 31.2 के सही प्रश्नों का सोल्यूशन। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही बढ़िया करा दी जाएगी, सुपर करा दी जाएगी। आपको कहीं किसी कोचिंग ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बहुत सारे मैथ की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप चैनल पर बने रहते हैं तो घर बैठे मैथ की तैयारी सुपर कर सकते हैं। जिस तरह मैं बताता हूँ ठीक वैसे ही कोचिंग बताया जाता है, कोई विशेष चीज़ नहीं बताया जाता है। तो आप मीडिया से देखिए और हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें पढ़ने एक्सरसाइज 31.2 31.2 पढ़ रहे हैं, जो कि केसी सिन्हा मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो देखिए, अगर आप वन पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से याद होगा, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को आप जानते होंगे। दिया गया है, दिए गए रैखिक प्रोग्रामों समस्या के आलेखीय हल पर आधारित प्रश्न, जब सुसंगत क्षेत्र परिमित या परिबद्ध है। दे दिया गया है, कहता है निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामों समस्या का आलेखीय विधि से हल करें। आपको आलेखीय विधि से क्या करना है, हल करना है। दिए गए पहला क्वेश्चन, अधिकतमीकरण करें। देखिए, सारे क्वेश्चन एक तरह होते हैं, आप अच्छा से देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन बढ़िया समझ गए तो बाकी बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, दिया अधिकतमीकरण करें, ठीक है। पहला ये जेड बराबर 4x प्लस वाई, इसी का अधिकतमीकरण करना है। जिसका अधिकतमीकरण करना होता है उसे कहा जाता है उद्देश्य फलन, उद्देश्य कहा जाता है। और जिसके द्वारा इस समीकरण के द्वारा करना है तो इसको व्यवरोध कहा जाता है, इसको कहेंगे व्यवरोध, ठीक है। कहीं अवरोध भी लिखता है। देखिए, तो लिखेंगे सबसे पहला, चूंकि उद्देश्य लिखेगा, उद्देश्य फलन कहिए चाहे उद्देश्य समीकरण कहिए, उद्देश्य फलन z बराबर क्या दिया है, 4x प्लस y दिया है, इसको एक मान लीजिए, ठीक है। दूसरा व्यवरोध है, व्यवरोध समीकरण कहिए चाहे फलन कहिए, जो कहना है आप कहेंगे। दिया गया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, और दिया गया है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, ठीक है। सबसे पहला काम होता है इसमें कि समीकरण दो और तीन के सहायता से हम आलेख बनाएंगे, ठीक है। आलेख बनाने के बाद ही आप इसका अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला काम है आलेख बनाना। आलेख बनाने के लिए समीकरण एक को हल करते हैं और सारणी तैयार करते हैं, फिर दो के सहायता सारणी तैयार करते हैं। लिखेंगे समीकरण दो से, इस समीकरण से हल करेंगे। दो दिया गया है एक्स प्लस वाई, हम क्या करेंगे इसको बराबर रखते हैं 50, ठीक है। और सारणी यहीं पर बनाते हैं, सारणी यहाँ हम तैयार कर लेते हैं। ऐसे सारणी हमने तैयार किया, एक्स वाई, एक्स का मान जीरो रखेंगे यहाँ तो वाई का मान क्या होगा 50, वाई का मान जब जीरो रखेंगे तो एक्स का मान क्या होगा 50 होगा। फिर समीकरण तीन से करेंगे, इस दो से किए थे तीन से
हम बराबर कर देंगे, 3x प्लस वाई बराबर 90, इसका भी सारणी तैयार कीजिए। लिखेंगे सारणी, तो ऐसे कर देंगे एक्स और वाई, एक्स का मान 0 यहाँ रखिएगा, यहाँ 0, तो वाई का मान क्या होगा 90 होगा। देख लीजिए यहाँ जब 0 करेंगे 3 × 0 0 हो जाएगा, तो वाई बराबर 90, और वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान क्या होगा, यह 0 हो जाए तो 30 × 90 वाई 0 30 हो जाएगा। तीसरा आप मान निकालेंगे, निकालने के बाद ग्राफ बनाना है, तो देखिए यहीं बनाते हैं ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया वाई, और इधर आपको प्राप्त हुआ वाई डैश, ठीक है, नीचे वाई डैश हो गया, यहाँ 0 होता है। अब इसको देख लेंगे, वाई का मान 90 तक गया है, एक्स का मान 50 तक मैक्सिमम है, तो इसमें 90-50 खींचना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 10 के अंतराल पर लेंगे ताकि जल्दी हो जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह जाएगा, इसमें 90 तक जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 हो गया, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पहला समीकरण देखिएगा, एक्स का मान 0 तो वाई 50 था, वाई 0 तो एक्स का मान 50, तो 50-50 पर यहाँ होगा, एक 50 पॉइंट प्राप्त होगा हमको, एक्स 0 है वाई 0 है तो एक्स का मान 50 आ गया, तो हम 50 पर खींच देंगे, और जब एक्स 0 है तो वाई का मान 50 है, तो हम यहाँ 50 पर खींचेंगे। तो 50 पर पॉइंट देने के बाद मैंने बताया था 31.1 में कि यदि यहाँ लेस देन केवल दिया होगा तो हम चिन्ह क्या करेंगे, डॉट से मिलाएंगे, और यहाँ लेस देन के साथ इक्वल टू दे दिया तो चिन्ह क्या मिलाएंगे, फुल लाइन से, तो यहाँ इक्वल टू दिया है तो यहाँ फुल लाइन आपसे को मिलाना होगा। आगे भेज देंगे, इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, फुल लाइन से मिलाना है आपको। फिर दूसरा ग्राफ को देखिए, वाई का मान 90 तो 90 पर यहाँ पॉइंट कर दीजिए, और एक्स का मान 30 है तो 30 पर पॉइंट कर देंगे यहाँ। अब इसको भी फुल लाइन से आपको क्या करना है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करके मिला देना है, ठीक है, इसको आगे बढ़ा देना है, ठीक है, मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद अब इसमें आपको क्या करना है, रंगना होगा। तो देखिए, रंगते समय मैंने बताया था कि यहाँ ग्राफ एक बार ध्यान से देखेंगे, ग्राफ देखते समय देखेंगे यह मूल बिंदु जो है ये दोनों लाइन के क्या है, नीचे है, तो हम क्या करें, प्रथम लाइन पर कल्पना करेंगे, प्रथम लाइन है, इस लाइन के नीचे कौन है, मूल बिंदु है, तो हम क्या करेंगे, मूल बिंदु यानी 0, 0 इस समीकरण में रखेंगे। यदि यह सत्य आता है तो जिधर 0 है उधर रखेंगे। देखिए यहाँ मैंने 0, 0 मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0 होता है, तो 0 यहाँ रखेंगे, 0, 0 तो 0 + 0, 0 हो जाएगा, तो क्या यहाँ प्राप्त होगा, 0 < 50 प्राप्त होगा ना, तो क्या 0 50 से छोटा है, 0 50 से छोटा है, तो हाँ, यानी 50 छोटा है, यानी कहने का अर्थ 0 सत्य आता है, यानी मतलब आपको इस लाइन के नीचे आना है, नीचे आना है। इसके बाद यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो ये भी सत्य आएगा, यानी इस लाइन के भी नीचे आना है। इन दोनों लाइन के नीचे कौन प्राप्त होता है, इस लाइन के नीचे यही ना क्षेत्र मिलता है, इन दोनों लाइन के नीचे यही क्षेत्र आपको प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद भी इसमें एक और चीज़ दिया था यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में दिया है, x > 0 y > 0 मैंने एक्स के ऊपर जाना है, ग्रेटर देन मैंने प्लस में, और वाई के ऊपर जाना है प्लस में, तो देखिए एक्स का प्लस इधर आता है, एक्स का प्लस इधर यानी इस अक्ष के इधर जाना है, वाई के ऊपर जाना है यानी इसके ऊपर जाना है, और इन दोनों लाइन के नीचे, तो यहीं ना बीच में क्षेत्र मिलता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या करेंगे, रंगेंगे। रंगने वाला बात ध्यान से आप समझेंगे, अच्छा से देखेंगे, ठीक है। और संक्षेप में एक बात याद रखिएगा, रंगते समय ख्याल रखेंगे कि जो समीकरण दिया गया उसमें मूल बिंदु को रखेंगे, अगर सत्य आता है तो जिधर मूल बिंदु है उधर रंगेंगे, अगर सत्य आता है तो उल्टा रंगेंगे। रंगने के बाद यह ओ है, इसको ए कर दीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, और यहाँ पर कर लीजिए सी, ठीक है। तो देखिए यह 30 पर काटा था, यह जो था 30 पर काट रहा था, तो 30 0 इसका नियामक हो जाएगा, इसका नियामक क्या होगा, 30 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह कहाँ काट रहा नहीं पता, लेकिन यह 50 पर काटा है, तो 0 50 इसका नियामक हो जाएगा, 0 50, और वो तो 0 0 है, यह क्या है आपका 0 0 है, लेकिन बी पता करना होगा। बी पता करने के लिए आप समीकरण यह जो दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन को हल करेंगे, 2 और 3 को हल करेंगे, पता कर लेंगे। लिखेगा यहीं पे
समीकरण 2 एवं 3 से, इसे रफ में हल किया था, ठीक है, रफ में हल कर लीजिएगा। 2 में क्या दिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 50 था, और 3 में 3x x प्लस वाई इक्वल टू 90 था, घटा लीजिए कटेगा तो कितना आ गया, माइनस 2x बराबर माइनस 40, इसलिए x बराबर 20 में 40 आएगा। जब x का मान 20 आ गया तो 20 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 30 आएगा, और y बराबर हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ b का जो नियामक है 20 और क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए, सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा ओ ए बी सी, अभीष्ट यहाँ लिखिएगा, अभीष्ट सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी है, जो रंगा हुआ भाग होता है उसको सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक सारणी तैयार करेंगे, टेबल बनाएंगे, एक बड़ा सा ऐसे टेबल आप तैयार कर लेंगे। यहाँ लिखा जाए कोणीय बिंदु, यहाँ लिखेंगे, इसको याद रखना है, कोणीय बिंदु लिखना है, एक टेबल लिख दीजिएगा, टेबल इन सारणी आप तैयार कर रहे हैं, कोणीय बिंदु, और जेड का मान क्या था, 4x प्लस वाई, यहाँ का मान कर दीजिए, 4x प्लस वाई का मान। तो कोणीय बिंदु जो आपने लिखा है, इस कोणीय बिंदु में आप देखिएगा, पहले क्या आया है, 0 आया है, वो आया है, तो इसका नियामक 0 0 है, इसको ऐसे कर दीजिए। इसका ए आया है, इसका नियामक क्या है, 30 0 आया है। ग्राफ में देखना है, ग्राफ में देखना है, जैसे ओ 0 0, ए 30 0, और बी 20 30, यहाँ बी डालना है, 20 और 30। बी के बाद क्या है, आपका एक सी है, सी 0 50 है, 0 50, तो सी लिख देंगे 0 50। अब इन सारे मानों को इसमें रखेंगे, जैसे 0 0 रखिएगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या आएगा, 0 आएगा मान, फिर 30 रखेंगे, यहाँ यहाँ रखेंगे 0, 4 3 12 120 आएगा। आप 20 30 रखेंगे तो 20 रखेंगे तो 20 क्योंकि 80 या 30, 80 30 क्या होगा, 110, और 0 50 यहाँ आएगा 50। तो अब ये निकालने के बाद आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या कहता था, अधिकतमीकरण करिए, माने आपको इसका अधिकतम मान निकालना है। तो इन समीकरण के साथ ऐसे इस सारणी में देखेंगे, टेबल में जेड का अधिकतम मान कितना है, 120 है, अगर न्यूनतम कहता है 0 प्राप्त होता है, अधिकतम मान क्या आता है, 120, तो 3 0 पर अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो यह अधिकतमीकरण हो गया कि 30 पॉइंट पर अधिकतम मान 120 प्राप्त होगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु ए 30 पर अधिकतम मान 120 प्राप्त होगा, यह हो गया आपका आंसर। तो सिंपल है, चलिए ऐसे ही अगर न्यूनतम कहता तो 0 प्राप्त होता। इसमें इस चैप्टर में ही करना, अधिकतम मान निकालना है फिर न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा क्लियर होगा, एक दो देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, कहते अधिकतमीकरण करें, जेड बराबर 3x प्लस 4y दिया गया है, यह आपका उद्देश्य फलन हो गया, ठीक है, और नीचे व्यवरोध दिया गया है, x + y < 4, काफ़ी सिंपल है, तो और आसान है, एक ही समीकरण दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखिएगा उद्देश्य फलन, जेड बराबर क्या दिया गया है, 3x + 4y, एक मान लीजिए, व्यवरोध दिया है, व्यवरोध फलन लिखे चाहे समीकरण लिख लीजिए, यहाँ कुछ ज़्यादा फलन समीकरण में नहीं फंसना है। x + y < 4 क्या होगा, 4, इक्वेशन 2 आ गया, और यह जो दिया गया है इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, x > 0 y > 0, इसका मतलब x और y के धन दिशा में आपको लेना है, ठीक है। तो आपका एक ही समीकरण है, इसी ग्राफ बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x + y = क्या है, 4 है, इसका सारणी तैयार कर लीजिए, सारणी तो आपको निश्चित रूप से आएगा तैयार करने, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। xy जब x का मान 0 कीजिएगा तो y का मान क्या होगा, 4, और y 0 करके x का मान 4, ये क्या हो गया, 4,
सरणी बनने के बाद ग्राफ बनाना है। सरणी जब बन गया तो काम है आपका ग्राफ बनाना है। तो इससे ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्स डैस वाई और क्या है वाई डैस, ठीक है। लेकिन एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान जीरो है तो वाई का मान क्या है चार है, तो चार पर यहाँ हम चले आएंगे। वाई जीरो तो एक्स का मान चार, यहाँ चार पर आ जाएंगे। और इको यहाँ देख लीजिए इक्वल टू दिया गया है, तो हम फुल लाइन से इसको क्या करेंगे मिलाएंगे, इसको फुल लाइन से मिलाएंगे, इसको मिला दीजिए, मिला दिए। मिलाने के बाद ये भी दूसरा क्या होता था, एक्स का मान और वाई का मान प्लस की तरफ जाना है, तो ये प्लस की तरफ इधर होता है या ऊपर होता है, तो ये निकालने का अर्थ हमको क्या करना है यही रंगना होगा। इसके बाद ये भी देख लीजिए, यह जो लाइन है एक्स प्लस वाई का मान, अगर हम जीरो इस लाइन से ग्राफ दो भाग में बट रहे हैं, आधा नीचे और आधा क्या होता है ऊपर जाता है, तो नीचे वाला अब यहाँ देखना है इस लाइन का हमको नीचे रंगना है कि ऊपर रंगना है, हो सकता है ऊपर रंगना पड़े, तो नीचे और ऊपर जांचना है। जांचने के लिए हम क्या करेंगे किसी एक बिंदु को लेंगे, या तो ऊपर बिंदु लीजिए या नीचे बिंदु लीजिए। तो इस लाइन के नीचे कौन है मूल बिंदु है, मूल बिंदु लेना आसान होता है क्योंकि जीरो रखना होता है, ठीक। ऊपर भी हम ले लेंगे, मानते पाँच जीरो, यहाँ दस जीरो लिख लीजिए, दस जीरो पाँच पचास साठ लेंगे, कुछ ले सकते हैं, या इधर कोई भी बिंदु ले सकते हैं, क्योंकि चार चार के नीचे ही आएगा, इधर नीचे क्या होगा कम होगा चार से, और ऊपर जाएगा चार से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम नीचे जीरो रखना है काफ़ी आसान होता है, तो इस ग्राफ के नीचे क्या है कौन है जीरो जीरो है, तो यहाँ जीरो जीरो डालिएगा तो ये जीरो आएगा, जीरो लेस एन इक्वल टू फोर, यानी क्या जीरो चार से छोटा है, तो कहेंगे हाँ जीरो चार से छोटा है, तो ये सत यानी इसके नीचे सत आता है, तो हम नीचे वाले पॉइंट को इसको रंग देंगे, नीचे वाले पॉइंट को हमने क्या किया फेंड कर दिया। अब यहीं वो ए बी मान लीजिए, यह सुसंगत क्षेत्र हो गया, ए का नियामक क्या होगा चार जीरो और बी का नियामक होगा जीरो चार, ठीक है। अब ओ ए बी जो है यही सुसंगत क्षेत्र है, यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ ओ ए बी सुसंगत क्षेत्र है, ठीक है। जब ये पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं सारणी यानी टेबल तैयार करते हैं, एक और टेबल हम बनाएंगे इसे, एक और टेबल हम इसे तैयार करेंगे। इस टेबल में क्या करना है आपको ऐसे बना देना है, यहाँ लिखना है कोणीय बिंदु, यहाँ आपको डालना है कोणीय बिंदु डालना है, और यहाँ डालना है जेड बराबर क्या दिया था 3x प्लस 4y का मान, ठीक है। तो पहला कोणीय बिंदु यहाँ कोण ओ ए बी प्राप्त होता है, तो ओ का नियम क्या होता है जीरो जीरो होता है। दूसरा कोणीय बिंदु होता है चार जीरो, और तीसरा कोणीय बिंदु होता है जीरो चार, जीरो चार होता है। जब जीरो जीरो अब इसमें रखिए, अभी सब मान को इसमें रखना है देख लेना है, जब जीरो रखेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा, चार जीरो रखेंगे तो चार तीन बारह, यहाँ बारह आएगा, ये होगा चार चौका सोलह, या जीरो हो जाएगा सोलह तेईस सोलह, तो अधिकतम मान कितना है सोलह है, अधिकतम मान सोलह प्राप्त होता है, जीरो चार पर प्राप्त होता है। लिखिएगा अतः जेड का अधिकतम मान सोलह प्राप्त होता है जो जीरो चार जीरो चार पर, जो जीरो चार बिंदु पर प्राप्त हुआ। तो यही हो गया आपका आंसर, 16 हो गया मुख्य मान अधिकतम मान, और यह पॉइंट हो गया। तो यही करना है आपको, अधिकतमीकरण करना है सब में। देखिए ऐसा ही क्या है आपका क्वेश्चन, तीन है दो समीकरण दिया है, रंगेंगे बनाएंगे तीन चार पाँच ऐसे ही बनाना है। सारे इधर भी क्वेश्चन आएंगे तो सबका अधिकतमीकरण करना है, कहीं किसी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप सारे प्रश्नों को अच्छा से बनाएंगे, सब में दो दो समीकरण दिए गए हैं, अगर आप देखते हैं तो इधर यहाँ पर भी तीन समीकरण इसमें आते हैं, तो आठ दिया है, तीन तीन को समीकरण दे दिया है। चलिए वो हमें आठ बना देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तीन तीन समीकरण दिया है तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो आठ नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं,
यहाँ उद्देश्य फलन दिया है, उद्देश्य फलन दिया गया जेड बराबर एक्स प्लस टू वाई, वन मान लीजिए, विरोध फलन जो है वो आपका कितना है एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू 100। दूसरा दिया है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और तीसरा है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, अब यहाँ देखें इन तीनों को हल करके आपको सारणी बनाना होगा। ठीक है, तो लिखे समीकरण दो से हम डायरेक्ट सारणी बनाते हैं, ठीक है, ताकि लॉन्ग ना हो। एक्स वाई जैसे दो को ध्यान से देखिए, जब एक्स का मान जीरो रखिएगा यह जीरो तो ये खत्म हो जाएगा, दो से घटेगा तो क्या होगा वाई का मान 50, एक्स जीरो तो वाई का मान क्या होगा 50। जब वाई जीरो करेंगे तो एक्स का मान क्या होगा 100 का 100 ही हो जाएगा। फिर समीकरण दो से देखिए सारणी ही बनाना है, यहाँ सारणी लिखिएगा, सारणी हम यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई। देखिए दो में क्या है बराबर में जीरो दे दिया है, अतः हम जीरो रखेंगे तो सब जीरो जीरो मान प्राप्त होगा, तो इसमें अंक रखना होगा। याद रहे जब भी बराबर में जीरो होता है तो अंक रखना होता है, ठीक है, तो अंक रखना होता है। एक्स का मान जो भी हो क्रम से रखेंगे। अब देखिए 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, इसको बराबर लिखे चलिए, 2x माइनस वाई बराबर जीरो है तो वाई उधर जाएगा तो 2x बराबर क्या हो जाता है वाई हो जाता है। तो अगर हम यहाँ एक्स का मान एक रखते हैं, देखिए एक रखेंगे तो ऐसे यह देखिए 100 और 50 आया है तो एक ना रखकर हम 10 रखें, कम से कम 10 रखिए, हाँ 10 रखें। जब x का मान हम 10 रखेंगे यहाँ तो y का मान क्या होगा 10 दुना 20 हो जाएगा, जिससे y यहाँ देख लीजिए 2x माइनस वाई बराबर क्या है 0, इससे 2x बराबर क्या हो जाता है y, x का मान 10 रखेंगे तो 2 गुना 10 y का मान 20 हो जाएगा, मैंने y का मान x का दुगुना होगा, x का मान 20 होगा तो y का मान क्या होगा 40 होगा, या 30 होगा तो क्या होगा 60 होगा, और 40 होगा तो 80 होगा, मैंने दुगुना हो जाएगा, x का दुगुना वाई है। ठीक है, फिर समीकरण क्या करेंगे तीन से सारणी, तीन से आप सारणी बनाइए, तो तीन में जीरो ही रखिएगा क्योंकि दो सा दिया हुआ है, एक्स का मान एक्स और क्या है वाई, देखिए एक्स का मान जीरो होगा तो वाई का मान क्या होगा एक्स जीरो तो वाई का मान 200 होगा, और वाई जीरो तो एक्स का मान क्या होगा दो दोनों 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा वाई एक्स का मान 100, जैसे वाई का मान यहाँ जीरो रखिएगा तो दूसरे भाग लगेगा तो 100 हो जाएगा एक्स का मान। अब यह सारणी तीनों प्राप्त हुआ तो ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ में सब प्लस की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना होता है, एक्स वाई का मान सब प्लस में है और एक्स का महत्तम मान 100 है, वाई का महत्तम मान भी महत्तम मान 200 है, वाई का मान देखिए मैक्सिमम वैल्यू 200 है, तो आपका ग्राफ जो होगा प्लस की तरफ ही सब बनेंगे, ग्राफ में ही थोड़ा सा 100 तक और 200 तक जाना है, एक्स एक्स डैस वाई और क्या हो गया वाई डैस हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम जीरो कर देते हैं, तो 100 तक ले जाना है तो 10 के अंतराल लेते हैं, 20 का भी अंतराल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 का अंतराल 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया। ठीक है, इसमें भी 10 का अंतराल लेकिन यहाँ 200 पुराना है। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 और 200 हो गया। अब देखें सबसे पहले प्रथम को देखिएगा, तो एक जीरो तो वाई का मान 50 है तो 50 पर यहाँ क्या करेंगे खींचेंगे, और वाई जीरो है तो एक्स का मान 100 है तो 100 पर हम यहाँ आएंगे, और देखिए सब में इक्वल टू का चिन्ह दिया गया, दिएगा ना इसमें, और तो सबको फुल लाइन से मिलाना है, 50 और 100 को हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ आएंगे और इसको मिलाएंगे,
स्केल की यूज करने की जरूरत नहीं है, आप हाथे भी सही से खींच सकते हैं, ठीक है। ये प्रथम लाइन हो गया। दूसरा लाइन कहता है एक्स का मान 10 है तो वाई का मान क्या है 20 है। देखिए एक्स का मान 10 तो वाई का मान 20, तो 20 और 10 दो आ जाता है तो यहाँ पॉइंट एक लेंगे। और एक्स का मान 20 है तो वाई का मान 40, 40 और 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो गया। और एक्स का मान 30 तो वाई का मान 60 हो गया, 30 और 60 यहाँ जाएगा। वैसे ही जब 40 है तो 80 हो गया, अब 50 होगा तो 100 ऐसे ही चला जाएगा। तो यानी ये क्रम से ऊपर बढ़ रहा है, देख रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, फुल लाइन से इसको मिला देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यह आगे बढ़ गया, ठीक है। तीसरा देखिए, x 0 तो y का मान 200 है, x 0 है तो y का मान 200 यहाँ चला जाएगा, y 0 तो x का मान क्या है 100 है, तो 100 का मान यहाँ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अब मिलाएंगे, इसको मिला देंगे। अब तो क्या होगा, देख सकते हैं ऐसा ग्राफ मिला। अब रंगना है इसको, इसको इसको किसको आप रंगेंगे यह देखना होगा। तो देखने के लिए आप प्रथम ग्राफ प्रथम लाइन से लेकर चलिएगा। देखिए यहाँ प्रथम लाइन देखिए, अगर हम 0 0 इसमें रखते हैं तो यहाँ 0 रखिएगा तो 0 ग्रेटर देन 100 आएगा। तो 0 क्या 100 से छोटा है बड़ा है, यहाँ बड़ा का चिन्ह दिया ना, जैसे 0 ग्रेटर देन क्या होगा 100 हो जाएगा। कहते 0 100 से क्या है बड़ा है, तो 0 क्या 100 से बड़ा है नहीं है, 0 100 से बड़ा नहीं, मतलब यहाँ 0 रखने पर यह क्या होता है असत्य आता है, गलत आता है। मतलब यह जो पहला लाइन हम खींचे थे इसके नीचे 0 है तो 0 इसके नीचे असत्य है, तो हमें ऊपर जाना है, मतलब इस लाइन के हमको ऊपर जाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए फिर से, जैसे मैंने कहा कि यह जो प्रथम लाइन था, यह फर्स्ट लाइन था, हमने 0 0 रखा तो क्या होता है औसत आता है, मतलब इस लाइन के हमको नीचे नहीं आना है, हमको क्या करना है ऊपर जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जब होता है तो हम नीचे वाला भाग को क्या करेंगे इससे बंद कर देते हैं। मान लेते हैं नीचे वाला भाग क्या हो गया आपका बंद हो गया, अब ऊपर वाले ग्राफ को ही हमको देखना है, ऊपर वाले ग्राफ को देखना है। तो अब इस लाइन का क्लियर हो गया कि हमको ऊपर जाना है, अब इस लाइन में क्लियर कीजिए। देखिए इस लाइन में 0 तो पर ही काट रहा है, तो या तो इस लाइन के इधर कोई पॉइंट लीजिए या इधर कोई पॉइंट लेंगे। इस लाइन के इस साइड, इस लाइन के अगर इस साइड नीचे आते हैं तो बहुत सारा पॉइंट यहाँ मिल रहा है, तो मानते कोई पॉइंट हम ले लेते हैं तो हमको नीचे कल्पना करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई पॉइंट इसमें से लीजिए और मानते हम क्या करते हैं 50 0 ही लेते हैं, चाहे 40 0 ही लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं, इधर आएगा प्राप्त होगा। इस लाइन के इधर कोई पॉइंट लीजिए चाहे इधर लीजिए, अगर हम इधर आते हैं लाइन के तो इधर कोई पॉइंट मिलेगा, मानते 50 0, तो दूसरे लाइन में 50 0 हम रखेंगे, एक्स का 50 वाई का 0, तो क्या होगा 50 0 100, तो 100 लेस देन इक्वल टू 0, क्या 100 0 से छोटा है नहीं है, मतलब इस लाइन के नीचे भी क्या है, इस लाइन के इधर भी क्या होता है गलत आता है, मतलब हमको इधर जाना है, इधर जाना। अब ये क्लियर हो गया कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर, यानी अब ये हो सकता है, तो फिर भी अब इस लाइन में क्लियर करना होगा कि इसके नीचे है कि ऊपर जाना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 0 रखेंगे तो 7 आएगा, यहाँ दूसरे तीसरे लाइन में 0 रखेंगे तो 7 आएगा, मतलब इस लाइन के नीचे आना है। अब देखिए इसके ऊपर, इसके इधर, इसके इधर, तो यही नहीं बचता है, तो आपका यही क्या होगा क्षेत्र होगा, यह सुसंगत क्षेत्र प्राप्त होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे पेंट कर देंगे, और पेंट करने के बाद यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी। ए का नियम क्या होगा 0 50 हो जाएगा या 0 200 हो जाएगा, लेकिन सी और बी का नियामक निकालना होगा। तो सी का नियामक निकालने के लिए आपको 1 और 2 समीकरण को हल करना होगा, 1 और 2 को, और इसके लिए 2 और 3 को, मैंने 1 और 2 यह एक इसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन चलिए 2 3 मान, पहले 2 और 3 को हल कीजिए ना, यहीं पर हल करते हैं समीकरण, या अलग कहीं रफ में पेज पर हल कर देते हैं ताकि आप ज़्यादा समझ जाएँ, कहीं दिक्कत ना हो। रखिए एक पेज निकालते हैं, देखिए समीकरण 2 3 से पहले हल करना होगा, समीकरण 2 एवं 3 से। तो 2 में था आपका x प्लस 2y इक्वल टू 100 था, ठीक है, और 3 में दिया गया था 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। तो सबसे बेटर है कि हम ऊपर क्या करें, 1 से गुना करें, नीचे गुना करते हैं 2 से, तो हो गया x प्लस 2y बराबर 100, 2 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर 0, ये कट गया, 5x बराबर 100, इसलिए x बराबर 20 25 100 आ गया। अब x के मान को समीकरण 1 या इसमें से ये 2 या 3 है, तो 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान
रखने पर, जब रखिएगा तो 20 रखेंगे तो 20 घटेगा तो हो जाएगा 80, 80 में 2 से भाग दो 40, वाई बराबर क्या होगा 40, 40 आ गया। तो बी का बिंदु बी बराबर, इसलिए बिंदु बी बराबर हो गया 20 और 40, आपको बिंदु बी प्राप्त हो गया। तो यहाँ बिंदु बी जो ग्राफ है यहाँ लिख देंगे 20 और 40। और सी निकालने के समीकरण कौन कौन हल करना होगा, यह समीकरण क्या है, लास्ट है, चौथा समीकरण है, यह हो गया तीसरा, 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 को भी हल कीजिए। देखिए यहीं पर हल करते हैं समीकरण 3 एवं इस सारे काम को ग्राफ में कीजिएगा, ठीक है। 3 में 2x - y बराबर 0 है, 4 में 2x + y बराबर 200 है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 4x = 200, इसलिए 200/4 कितना होगा 50। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर रखेंगे, इतना कर लीजिए, 3 में जब 50 में रखिएगा तो 100 हो जाएगा, y बराबर कितना आएगा 100 प्राप्त होगा, यानी 50, इसलिए बिंदु C आ गया, बिंदु C 50 और क्या आ गया आपका 100 आ गया, तो बिंदु C भी आपका निकल गया। यहाँ C का मान हो गया 50 तथा 100 आ गया, इतना गया। जब ये सारे बिंदु प्राप्त हो गए तो आपका क्या हो गया, ए बी सी डी सुसंगत क्षेत्र है, नीचे लिखेंगे अतः ए बी सी डी संगत क्षेत्र है। जब संगत क्षेत्र आ गया तो आपको क्या करना होगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा टेबल बनाएंगे, तो यहाँ लिखना होगा टेबल, ठीक है, सारणी अब सारणी, तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु यहाँ लिखेंगे जेड बराबर एक्स प्लस 2y का मान, तो कोणीय बिंदु क्या है, पहले a प्राप्त हुआ था, a का मान कितना है 50 जीरो है, न जीरो 50 है, सॉरी वाई एक्स पर है, ए बिंदु ए जो है वाई एक्स पर है, तो 0 50 होगा, 0 50, और बी है 20 40 और सी है 50 100 और डी है 0 200, इन सारे मानों को इसमें रखेंगे। देखिए जब 0 50 रखिएगा तो 50 100 आएगा इसमें, अब 20 40, तो 20 40 80, 80 20 क्या होगा 100 हो जाएगा, अब 50 रखेंगे 100 तो 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, फिर 200 यहाँ रखेंगे 0 200, तो 200 2 क्या होगा 400। अब इसमें क्या करता है, 8 में न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण दोनों, न्यूनतम मान अधिकतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान 100 जो दो बिंदु पर ए और बी पर प्राप्त होता है, अधिकतम मान 400 है जो डी पर प्राप्त होता है, तो यहाँ लिखना होगा, अतः न्यूनतम मान यहाँ, अब यहाँ नीचे लिखेगा अतः एक लाइन लिखना होगा, अतः न्यूनतम मान 100 है जो बिंदु ए एवं बी पर मिलता है तथा अधिकतम मान 400 है जो डी पर मिलता है, डी पर अधिकतम मान मिलता है और ए बी पर न्यूनतम मान मिलता है। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों का आपको सोल्यूशन करना है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा, तो आप कमेंट करेंगे, उस प्रश्न का सोल्यूशन मैं बताऊंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।